हजारों की संख्या में आए हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से आए हुए मेरे किसान भाइयों, माताओं बहनों, मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, मंच के ऊपर बैठे हुए किसान संयुक्त मोर्चा के सभी किसान नेतागण, मैं यहां कोई आज आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं कोई आज आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि हमारी पार्टी कोई आपको समर्थन दे रही है। आज मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए आपके बीच में आया हूं। जब कभी भी किसान का आंदोलन हुआ, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उत्तर प्रदेश के किसान के साथ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जब अनदेखी करती थी, और स्वर्गीय टिकैत साहब जब लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली के वोट क्लब के ऊपर जमा होते थे, क्या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाकर के, मेरठ में आकर के, मुजफ्फरनगर में आकर के किसान की लड़ाई को लड़ते थे? उस वक्त चौधरी देवीलाल से किसी भी पद पे होते थे, वो स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी के उस किसान आंदोलन को न केवल अपना समर्थन देते थे बल्कि टिकैत साहब से कहते थे कि हरियाणा प्रदेश में आज मैं मुख्यमंत्री के पद पे हूं, उत्तर प्रदेश के किसान की अनदेखी हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसान के खेत की बिजली काटी जा रही है, हरियाणा प्रदेश की सरकार के जुम्मे जो आप जिम्मेवारी लगाओगे, चौधरी देवीलाल टिकैत साहब से कहते थे कि मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करूंगा। और उस आंदोलन को तब तक हम अपनी पार्टी की तरफ से ताकत देते थे जब तक उत्तर प्रदेश के किसान को न्याय नहीं मिल जाता था। पूरे देश और दुनिया में टिकैत साहब की और चौधरी देवीलाल जी की जो दोस्ती थी, जो उनका संघर्ष था, आज भी पूरी दुनिया उसको अपनी आंखों से आपके सामने हजारों की संख्या में आए हुए हरियाणा के लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि हम उस दोस्ती पे आज फिर वोट लगाने के लिए आए हैं। जहां 27 तारीख को इसी बॉर्डर के ऊपर हजारों लोगों के बीच में पर्ची पहुंचा दी ऊपर, टिकैत साहब 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की केंद्र की सरकार ने आरएसएस के लोगों को उस आंदोलन में कहीं किसान की पोशाक पहना करके उस आंदोलन को खत्म करने की जो साजिश रची थी, उसके बारे में टिकैत साहब बैठे हुए किसानों को जब संबोधित कर रहे थे, जब सारी बात उनसे बता रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हजारों पुलिस के कर्मचारी जो शांति से आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे, किसान उनके चारों तरफ आकर के खड़े हो गए थे और बारी बारी कह रहे थे
कि हम टिकैत साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और टिकैत साहब भी अपनी तरफ से लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने किसी तरह से विरोध नहीं करना, पुलिस के लिए रास्ता बढ़ा करके दो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात थी, जो काम प्रशासन का है, जो काम सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहां के एमएलए को सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को साथ लेकर के इसी पुल के नीचे, जिन्होंने यहां के डीएम को और एसपी से कहा था कि अगर आप इनको यहां पहले तो आप इनको यहां से हटाओ, अगर आप नहीं हटाओगे तो वो बदमाश किस्म का एमएलए अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर के जो यहां आया था, जो कह रहा था कि अगर आप इन्हें नहीं हटाओगे तो फिर हम इनको हटाने का काम करेंगे, मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस किसान के साथ बातचीत के जरिए तो आप इस आंदोलन को खत्म कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की तरफ से कहीं कोई दबंगई दिखा करके, कहीं कोई लाठी और डंडा दिखा करके, बंदूक दिखा करके अगर इस किसान आंदोलन को कुचलने की चेष्टा करोगे, अगर इस किसान आंदोलन के साथ कोई छेड़खानी करोगे तो यहां केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं बल्कि पूरे देश का किसान आकर के जहां आपकी सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगा, वहीं किसान अपनी इस लड़ाई में केंद्र की सरकार को, कृषि के तीनों काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, इन कानूनों को न केवल खत्म कराएगा बल्कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल हो इसके लिए केंद्र की सरकार को नए कानून बनाने पे मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि मैं किसान को खुशहाल कर दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, वायदा किया था प्रधानमंत्री ने हमारे से कि आप हमारी सरकार बनाने का काम करो, हम किसान की खेत की फसल के लागत मूल्य से 50% आपको ज्यादा देंगे, वायदा किया था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, ये भी कहा था कि अगर किसान के साथ कोई अनदेखी करेगा तो फिर मेरी जिम्मेवारी होगी उस सरकार को मजबूर करके किसान को समर्थन मूल्य पे 50% ज्यादा दे करके उसकी फसल के दाम देने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, इस कोरोना की आड़ के अंदर जब देश जो है आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा था, जब हमारे देश के अनेक नेताओं ने, अनेक मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के माध्यम से ये बातें कही थी कि आज हमारे पास आर्थिक रूप से दिक्कत है, आज इस कोरोना की महामारी में जो कारखाने बंद हो गए, जो स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, आज छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, उस वक्त में अगर इस देश को किसी ने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो केवल और केवल इस देश का अन्नदाता था, किसान था, जिसने कोरोना की परवाह करे बिना लगातार अपने खेत में जाकर के अपनी फसल की उपज को और ज्यादा मेहनत के साथ उस फसल को पका करके
न केवल देश के गरीब आदमी का, देश के आम आदमी का पेट भरने का काम किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी में ये बात कही थी कि आज देश आर्थिक रूप से अगर कहीं मजबूत है तो उस मजबूती में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है, किसान का है। इस किसान ने इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। कोरोना की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के ऐसे कानून बना दिए जिसकी वजह से आज हमारे 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के 55 वर्ष के बुजुर्ग तक को अपना घर बार खेत परिवार सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ धरने पे बैठ करके इस सरकार को शांत प्रिय ढंग से आंदोलन को चला करके बारी बारी सरकार के बुलावे पे किसान नेताओं ने जाकर के इन काले कानूनों के बारे में बड़ी खुल करके चर्चा करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे आंदोलन खत्म हो इसके लिए इसको लिंगर ऑन करने का काम किया, लंबा करने का काम किया। जब किसान ने लिंगर ऑन होने के बाद, लंबा होने के बाद भी कहीं विचलित नहीं हुआ, कहीं उसने अपने जिम्मेवारी को किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, तो केवल उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। इस आंदोलन में तो ऐसे लोग इसका हिस्सा बन गए जो उग्रवाद से जुड़े हुए हैं। किसान को खालिस्तानी कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया। इस देश के किसान के खिलाफ जो नेता हमारे थे, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इस दिल्ली की सरकार ने 26 जनवरी के दिन जहां गणतंत्र दिवस की परेड के साथ